हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, हर दिन ट्रेन से करोड़ों लोग देश भर में यात्रा करते हैं। रेलवे यात्रियों की सेफ्टी के लिए कई अलग अलग तरह की फैसिलिटी देता है, उसी में से एक है ट्रेन में लगी इमरजेंसी अलार्म चेन। इस चेन के जरिए यात्री इमरजेंसी के टाइम में ट्रेन को रोक सकते हैं, मगर इस चेन का कई बार यात्री गलत इस्तेमाल करते हैं और वो बेवजह इसको खींच लेते हैं। तो ट्रेन से यात्रा करते समय आपने बिना किसी वजह का चेन पुलिंग किया है तो आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी चेन को भले ही यात्रियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि इमरजेंसी के टाइम में यात्री इसकी मदद से ट्रेन को रोक सके, लेकिन कई बार यात्री बिना किसी कारण के ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक देते हैं। इससे ट्रेन लेट होती है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लोगों के खिलाफ रेलवे नियम 141 के तहत कार्रवाई भी करता है। दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे ने इस तरह के मामले से सख्ती से निपटने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है जो अपने घर के पास या मजाक में चेन पुलिंग कर देते हैं। अगर आप भी बिना बेवजह चेन पुलिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों मिल सकती है। इसके साथ ही दोषी पाए जाने पर इस तरह के लोगों को जीवन भर सरकारी नौकरी से वंचित भी रखा जा सकता है। रेलवे नियम के अनुसार बिना इमरजेंसी के आप ट्रेन को चेन पुलिंग करके नहीं रोक सकते हैं। इससे ट्रेनें लेट होती है, यात्रियों को परेशानी भी होती है और रेलवे को इससे भारी नुकसान भी होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि किस स्थिति में आप ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक सकते हैं। अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति या कोई छोटा बच्चा छूट गया है और ट्रेन चल पड़ी है तो आप चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक सकते हैं, या फिर ट्रेन में आग लगने की स्थिति में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति की बोगी में तबीयत खराब हो गई है जैसे कि स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक आ गया है तो ऐसा करके भी आप ट्रेन को रोक सकते हैं, या फिर ट्रेन में चोरी या डकैती की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। इन इमरजेंसी स्थिति में ही आप ट्रेन को चेन पुलिंग करके रोक सकते हैं। बेवजह आप चेन पुलिंग करके ट्रेन को ना रोकें, नहीं तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।